मेरे अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, हज के बारे में आज गुफ्तगू होगी और इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान को इस बात का इल्म है कि अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ किया है और उस आदमी पर फ़र्ज़ है जिसके अंदर हज पर जाने और वहाँ एक्सपेंसिव की ताकत और वापस आने का ख़र्चा हो और उसके अंदर ताकत हो, यानी हेल्थ वाइज आदमी फिट हो। ये वो बुनियादी शर्तें हैं कि जिसके बग़ैर हज फ़र्ज़ नहीं होता, हज इंसान पर वाजिब नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। हर आदमी की उसकी ख्वाहिश है, उसका शौक़ है कि अल्लाह का घर देखे। शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा, हैं, ये नहीं है कि नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कभी ख्वाहिश ही नहीं की कि वो अल्लाह का घर देखें। माल का मसला भी नहीं है, हेल्थ भी उनकी फिट है, लंदन के हॉस्पिटल में वो पाकिस्तान से आके इलाज करवाते हैं, नज़ला ज़ुकाम भी हो तो इलाज यहाँ से होता है, इसलिए हेल्थ का भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुकद्दर नहीं है, किस्मत नहीं होती। ये आम तौर पर गरीब लोगों की ख्वाहिश होती है, सारी ज़िंदगी वो कोशिश करते हैं कि भाई हमारा मौका मिले, पैसा पैसा जोड़ते हैं कि अल्लाह हज की तौफीक दे तो हम हज के लिए जाएं, और इसी में वो बूढ़े हो जाते हैं। फिर वो हज पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर वो बददुआएं देते हैं बच्चों को कि ब्याह शादी में आप चले जाते हैं, मरने जीने की रस्में आप निभाते हैं, बच्चा कहीं पैदा हो तो हो चले जाते हैं और हमें कहाँ भेज दिया, हज के लिए भेज दिया। यानी वहाँ जाकर उनका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो असल में हज जो है ये नौजवानी की उम्र में है, जब आदमी भाग दौड़ कर सके या जा सके, क्योंकि ये बहरहाल एक इसका एक अपना इसकी बिटरनेस है कि उसके बग़ैर हज वो कम्प्लीट नहीं होता। कोई भी कितना भी VIP बल्कि VVIP भी हज हो, फिर भी वहाँ पर आदमी को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये नहीं है कि बस वो एयर कंडीशन हज नहीं होता, ये एक कुदरती बात है। इसमें हज जो है वो अपना आप दिखाता है। तो ये उस आदमी के लिए जिसकी सेहत इजाज़त देती हो और वो जाने की ताकत हो, उसके पास पैसे हों। फिर हज की कुछ शरायत हैं, उसके कुछ लवाजमात हैं, उसके कुछ ज़रूरतें हैं, उसके कुछ तकाज़े हैं और उसके कुछ आदाब हैं। इन सब पर इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी हमारी गुफ्तगू होगी ताकि ये महफ़ल जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो, मुफीद साबित हो इंशाल्लाह। तो अब सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग कौन सी है, वो सबसे पहले आदमी की है नीयत कि मैंने हज करना है। और ये वो अमल है जो नीयत के बग़ैर, यानी ये ऐसे बाईपास नहीं होता, हज नीयत के साथ ही होता है कि ठीक है भाई मैंने जॉर्डन जाना है तो चलो जाते हुए हज कर जाऊं। तो फिर भी उसके नीयत तो बहरहाल करनी पड़ती है। और हज का जो मीनिंग है, लफ्ज़ हज का, हज हा डबल जीम, ये दो अल्फाज हैं, तीन हरूफ हैं इसके हज के। इसका मकसद अरबी में है कसद करना, इरादा करना, ज्यारत का ज्यारत की ख्वाहिश करना, विज़िट करना, ये सारे माने क्या हैं, हज के हैं। और तो गोया कि पहली चीज़ है उसकी नीयत। अब नीयत जो है काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ है, ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है कि आदमी नीयत कर ले, बल्कि नीयत के साथ साथ आदमी को जो प्योरिफिकेशन है, जो उसकी तहारत है, जो उसकी सफाई है, वो भी मस्ट है। और नीयत जो है वो आदमी की हज, ये इसमें भी अब काफ़ी सारी डिटेल है कि वो नीयत क्या हो। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, मुखलिसीना लहुद्दीन, खालस
उसके लिए इरादा करते हुए, यानी अल्लाह ताला हमसे खुश हो, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, ये जो वो पहली नियत है, इसमें दिखावा नहीं कि हज के लिए दिखावा हो कि भाई लोग हैं, भाई हाजी साहब हैं, पहले हाजी होता है, फिर हाजी हो जाता है, फिर वाला हाज हो जाता है, बहुत सारे उसने हज कर लिए तो कहते हैं अलहाज हो गया। तो ये इस नियत से नहीं कि भाई हाजी साहब लोग कहेंगे, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला राज़ी हो। तो अखलास जो है वो नियत के अंदर होना चाहिए, और नियत के अंदर जो अखलास है उसकी अल्लाह के नज़दीक बड़ी वैल्यू है, बड़ी कीमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी है एक कूफा या किसी और दमिश्क के इलाके की बात है, सहाबा इकराम के दौर की बात है, कि वहाँ पर एक बुज़ुर्ग सहाबी थे, मौजूद थे, तो एक आदमी उनसे मुलाकात के लिए बड़ी दूर से आया, बहुत लंबा सफ़र करके आया। उन्होंने उससे पूछा, वो आते ही कहने लगा कि हज़रत मैंने सुना है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनी है जो जिसका हमें इल्म नहीं है, क्योंकि आप सहाबी हैं और सहाबी की जो हदीस होती है वो बिल्कुल सही होती है, उस पर जिरा नहीं होती। असहाबतो कुल्लुहुम अदूलुन, कि तमाम ये उसूल है हदीस का, जब हदीस उसके कवायद उसके प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें पहली चीज़ ये होती है कि सब पर बहस हो सकती है कि ये आदमी कैसा था, ये आदमी क्या है, ये आदमी दयानतदार है, ये आदमी ईमान में कैसा है, ये अमल में कैसा है, हर आदमी पर मुनाक्षा होता है, बहस होती है, मुजादला होता है, झगड़ा होता है, डिनाई होता है उसके बारे में, सब कुछ होता है। लेकिन सहाबी पर हम कोई बहस नहीं कर सकते, सहाबी पर कोई बहस नहीं, उसकी अदालत पर कि वो आदमी ईमानदार है, क्या वो आदमी बड़ा ज़हीन है, या वो आदमी नमाजी है, ये कोई बहस नहीं है, सहाबा पर कोई बहस नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का उसूल है कि पूरा कुरान इनके साथ चलता है और पूरी हदीस इनके साथ चलती है। कितने मुसलमान हैं जो अपने आप को बड़ी मेजॉरिटी कहते हैं, लेकिन वो कुरान करीम जब खोलते हैं तो उसके शुरू में आता है इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, वहीं से गिर जाते हैं। बाकी कुरान कहाँ से उनके साथ चलेगा, वहीं से वो गिर जाते हैं, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन से ही गिर जाते हैं। फिर उनके पास ताकत ही नहीं होती कि वो इससे आगे चले। तो अब भाई जिनके पास दो तीन आयतें हुई इस्लाम, उनका इतना ही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, बस इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन से वो गिर गए। अब क्या रह गया उनके पास, बाकी सारा कुरान तो बेफायदा है उनके लिए ना। तो लेकिन अहले हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये है कि पूरा कुरान इनके किसी सहाबी पर कोई बहस नहीं, सारे सहाबा जन्नती हैं, असहाबा तो कुल्लुहुम अदूल, सारे सहाबा उन पर कोई बहस नहीं हो सकती, उनके ईमान पर कि जी मसल जैसे लोग कहते हैं कि हज़रत अली ये थे वो थे, अमीर मुआविया ऐसे थे, वो उनके अंदर वो नुक्स निकालते हैं, ये हमारे नज़दीक जायज़ नहीं है। हम सारे सहाबा को जन्नती मानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको क्लियर किया हुआ, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। के ईमान वाले जितने भी नबी पाक के पास आए, जिन्होंने हुजूर के दस्ते मुबारक पर ईमान की बैत की, वो जन्नती हैं, उनको जन्नत में जाने से कोई अमल नहीं रोक सकता। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अहले सुन्नत का जो हमारा जो सेक्ट है हमारा अकीदा, बाकी सब बहस करते हैं, हज़रत अमीर मुआविया पर तनकीद करते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तनकीद करते हैं, और
ये मुसलमानों में अहले सुन्नत अपने आप को कहलाने वाले इस तरह का जुर्म करते हैं और अपने उसूल को तोड़ते हैं। अहले सुन्नत का उसूल है का सहाबा तो कुल्लो महदूद। तो अल्लाह साहब उन्होंने कहा जी हमने सुना है कि आपके पास एक हदीस है और हम आपसे हदीस लेने के लिए, मैं वो एक आदमी था और पता नहीं सैकड़ों मील का सफ़र करके आया। उन्होंने हदीस बयान कर दी और हदीस बयान करने के बाद उससे पूछा कि मेरे भाई, अब उसने कहा जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ से आए? कहा जी मैं फलां से आया हूँ, फलां दो इलाके से आया हूँ। कहने लगा किस लिए आया? कहने लगा कि मैं आपसे हदीस लेने के लिए आया था। कहने लगा कोई और मकसद? कहने लगा अल्लाह की कसम पानी का एक गिलास भी पीना मेरे मकसद में शामिल नहीं था। मेरी इतनी नीयत खालस थी उन लोगों की। तो उन साहबी ने कहा बैठ जाओ, अल्लाह की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस आदमी की नीयत इतनी खालस हो वो दीन के लिए चलता मनसला का तरीक़न इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़ल जन्ना, कि जो आदमी अल्लाह की खातर सफ़र करता है, अल्लाह की खातर वो कदम उठाता है, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए वो सफ़र की मुसीबतें तकलीफ़ें अखराजात बर्दाश्त करता है, अल्लाह ने समझो कि उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दिए। और फरमाया इतना ही नहीं बल्कि जो आदमी इस मकसद के लिए सफ़र करने की नीयत करता है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक को हुक्म देता है कि तुम इसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से इसके गुनाहों की माफ़ी तुम मांगो। और वो क्या है? अल-हीतान फिल बहर, समंदर की मछलियाँ, और हशरातुल अर्ज़, ज़मीन पर चलने वाले रींगने वाले कीड़े, आसमान की मखलूक सारी की सारी उस आदमी के लिए दुआ करती है। और फिर ये मत भूलिएगा कि ये कुरान की बात मैं कर रहा हूँ कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है रिकॉग्नाइज करवा देता है। कीड़ियाँ जो हैं चींटियाँ, ये भी इंसानों को जानती हैं। तुम्हारे घरों के अंदर जो जानवर बंधे हुए हैं वो जानवर, पालतू जानवर, तुम्हारे नाम भी जानते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे काम भी जानते हैं। हर चीज़ इंसान को रिकॉग्नाइज करती है जिसको अल्लाह ताला, आप देख रहे सुलेमान अलैहिस्सलाम का सूरह नमल, सूरह नमल क्या है? एक चींटी का वाक़या, एक चींटी छोटी सी चीज़ है आंट, उसका अल्लाह ताला ने उसके नाम पर सूरत रख दी। कोई चीज़ अल्लाह की नज़र में हकीर नहीं है। ये चींटी जिसको हम छोटी सी समझते हैं, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं हम कर सकते, कोई इसको वज़न नहीं इसका किया जा सकता, लेकिन वो कितनी कीमती चीज़ है। वो आठ मंजिल ऊपर घी पड़ा हो तो उसको खुशबू नीचे आ जाती है। उलमा ने इसकी बड़ी रिसर्च की है और बड़ी तहकीकात की हैं। अब इस इतना वजूद है उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ना हाथ ना पैर, सिर्फ वो उसकी टांगें नज़र आती हैं छोटी छोटी, लेकिन उसमें आँख भी है और सोचने का दिमाग भी है। अब यही वो कीड़ी थी ना, चींटी थी ना, जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख कर ऐलान किया था। अब कुरान है ना, ये किसी किस्से या हिकायात की बात नहीं है बल्कि सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई कुरान करीम है। हत्ता इज़ा तौल आबादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशुरून। कीड़ी कहने लगी कि कीड़ियों मेरे साथियों अपने अपने सुराखों में बिलों में घुस जाओ। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है तो क्या होगा? होता हो सकता है कि तुम उनके पाँव के नीचे आकर पीसी जाओ। वो कहने लगे कि वो तो नबी है, नबी तो जुल्म नहीं किया करते ना, वो तो अल्लाह की मखलूक को नहीं पीसते। अब उसने कैसी अजीब बात कही, कहने लगे वह हमला ये शोरूम, ठीक है नबी है लेकिन इल्म में गैब तो अल्लाह के पास है ना, क्लियर कर दिया ना उसे भी मसला। कहने लगे कि अल्लाह ताला ही आलमुल गैब है और उनको पता नहीं है कि हमारे पाँव के नीचे कोई कीड़ी एक है या दो है या दस हैं, उनको क्या पता। तो गया कि ये जो एक
अकीदा है ना आले हदीस का कि अल्लाह के सिवा कोई आलमुल गैब नहीं है, ये बिल्कुल कुरान का अकीदा है। बल्कि सारी मखलूक यही मानती है, कहती है वो मामला उनको क्या पता क्या है। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को छोटी सी चींटी ने वो पहचाना और उनके लश्कर को पहचाना और उनकी ताकत को जाना कि भई ताकत उनके अंदर है कि पाँव के नीचे तुम्हें रौंद डाले रोमला, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो गोया इस तरह अल्लाह ताला बतला देता है। इसी तरह फरमाया जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, आपकी नीयत यह है कि हमने मस्जिद जाना, हमने कुछ इल्म हासिल करना है, जुमा पढ़ने या कोई दर्स सुनने के लिए जाना है, तो इल्म के लिए आदमी निकलता है ना, उस वक्त अपनी नीयत को खालिस किया करो और बाकायदा नीयत किया करो, देखो उसका फिर अजर कितना मिलता है। ये नहीं है कि भाई ठीक है चलेंगे तो कोई हुआ तो सुन लिया, नहीं, बाकायदा नीयत करो कि हमने इल्म को हासिल, मस्जिद में आना है तो इल्म को हमने हासिल करना। तो जब ये नीयत खालिस होगी तो फिर उस पर अजर भी मिलेगा। मशहूर हदीस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल आमाल का जो उसके सजा व जजा का जो तरतुब है वो नीयतों पर है। वो कैसे नीयतों पर है? जिस तरह की नीयत है उसी तरह। बाज़ दफ़ा आदमी नीयत कर लेता है कि यार फलां आदमी जो है वो बहुत हकदार है, अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं उसको दूँ, कोशिश करता है और नहीं दे सकता, अल्लाह ताला इस पर भी उसको अजर देगा। एक आदमी की नीयत है कि मैंने हज करना है, अगर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मेरी सेहत ठीक हो, मेरे पास पैसे पूरे हो जाएं, तो नीयत करने में कोई हर्ज नहीं है, आदमी हज की नीयत कर सकता है, उस पर भी अल्लाह ताला उसे अजर अता फरमाएगा, क्योंकि वो किसी के अजर को जाहिर। और हजूर ने फरमाया कि क़यामत में जब हिसाब किताब होगा ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा हिसाब किताब में कि आदमी की नीयत वाले अमल जो हैं वो अलग हो जाएंगे और फिर उनका हिसाब होगा। ऐसे ऐसे इंसान ने ज़िंदगी के अंदर किसी की हिमायत की होगी, मसलन दुनिया पूरी के अंदर लड़ाई होती है, अहले तौहीद और मुशरकों की लड़ाई हर जगह होती है। अब जो अहले तौहीद हैं वो उनकी हिमायत करते हैं और अहले शिर्क जो है वो मुशरकीन की हिमायत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रूमियों का मामला, रूमी जो थे वो मकलूब हो गए और जो ईरान के मुशरक थे, और ये पता नहीं ईरान के क्या बदकिस्मती है, शुरू से मुशरकों का रहा। आज भी इन्होंने इस्लाम के मुकाबले में एक पूरा इन्होंने पूरा स्टैचू बनाया हुआ है, हर चीज़ इन्होंने पूरी बना ली है। वहाँ मक्का भी इन्होंने बनाया, मदीने की जगह भी, करबला की ज़मीन, करबला की ज़मीन कर, यानी पूरा इस्लाम के मद्दे मुकाबल, मक्के मदीने के मद्दे मुकाबल इस ग्रोह ने वहाँ पर मुकम्मल अपना बनाया हुआ है, सारे का सारा बिल्ड किया हुआ है। क्योंकि वो इस्लाम शुरू से, ये ईरान जो है पता नहीं किसकी बददुआ लगी है इसे, ये क्या लगा कि शुरू से इस्लाम का दुश्मन और मुखालफ रहा। ये दरमियान में था हिंदुस्तान और अरब के, और इसकी वजह से अरबी इस्लाम, अरबी जो है वो इंडिया नहीं जा सकी, और कहाँ इधर मोरितानिया मगरब की तरफ, वो सहराए अफ्रीका का दूर का मुल्क है वहाँ अरबी, लेकिन इस जालिम ने अरबी जो है वो क्रास ही नहीं होने दी और हमारी तरफ वो ये तकलीद भेज दी, हनफियत की तकलीद भेज दी, और कितना जुल्म किया कि सारे मुसलमानों का सत्यानाश मार दिया। यानी ये ईरान था दरमियान में ना, तो इसलिए इसने इस्लाम को क्रास नहीं, लेकिन जो इस्लाम गया है मोहम्मद बिन कासम के ज़माने से, उस दौर से, वो बहरी रास्ते से, पानी के रास्ते थे, वो खैर ही खैर है, क्योंकि सहाबा इकराम जो थे उसमें या जो ताबईन थे वो तो ईमान वाले थे ना। उस वक़्त तो ये हनफियत, ये शाफियत, ये मालकियत, ये अमलियत कोई नहीं थी ना, कोई तकलीदी मज़हब नहीं था, सब कुरान और हदीस को मानने वाले थे। तो खैर गया है पानी के रास्ते से और शर गया है ये बर्री रास्ते से, ये ईरान, फिर काबल, फिर अफगानिस्तान, शरारती शरारती इस्लाम के बारे में शरारत शुरू से। तो ईरान उस ज़माने में मुशरकों का एक बड़ा मरकज़ था और बड़ा शिरक हुआ, और आग को पूजा करना का जो ये जो मज़हब है ना, ये वहीं ईरान से चला, वो वहाँ पर वो उनका वो बहुत बड़ा
माबत था जिसमें हर वक्त आग जलाते थे, और यही आग जो है ये हिंदुस्तान में गई, और हिंदू जो है वो भी आग की पूजा करते हैं। ये आग परस्ती का मज़हब जो है यहाँ से चला। तो इनकी लड़ाई हुई रूमियों के साथ। रूमी जो थे ये जैसे यूरोप है ना, यूरोप यही यूरोपियन थे वो, रूम आज भी है, इटालियन लोग और रोमा वाले, तो वो लोग ईसाई थे। ईसाई मुसलमानों के सबसे ज़्यादा करीब हैं। क्रिश्चियन जो हैं ये इस्लाम के बहुत करीब हैं। अगर थोड़ा सा भी इनको आप हिंट्स दे दें और इनकी किस्मत में हिदायत हो तो ये मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये नरम दिल हैं, और इसी नरम दिली की वजह से अल्लाह ताला ने इनको दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है वो ईसाइयों की है, इस वजह से कि इनके अंदर एक ऐसी खूबी है जो यहूदियों के अंदर नहीं। ये लोग नरम दिल हैं, यहूदी सख्त दिल हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की देखो 60 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुसलमानों के मुल्क हैं, ईसाइयों के भी काफ़ी मुल्क हैं, अगरचे वो डिक्लेयर नहीं करते अपने आप को सेकुलर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। और यहूदियों की एक भी सल्तनत नहीं है पूरी दुनिया में, एक ममलकत भी नहीं है, एक बादशाहत भी नहीं है, एक जमहूरी मुल्क नहीं है, कोई मुल्क नहीं है पूरी दिन। और ये जो फलस्तीन पर वो कब्ज़ा करके ज़ालम, तो वो यानी दरिंदे, ये दरिंदे अल्लाह ताला ने डिक्लेयर, इतने दरिंदे हैं कि यक्तुलून अलंबिया बग़ैर हक, नबियों को कत्ल कर देते थे। तो आजकल अब गज़ा में क्या हो रहा है, वो देखे नहीं जाते मनाजर, जिस तरह ये बच्चों को कत्ल कर रहे हैं ताकि आइंदा जो मुसलमानों की जनरेशन है वो ही ख़त्म हो जाए। तो ये संग दिल हैं, अल्लाह ने इन पर लानत की हुई है, अल्लाह ने इन पर ऊपर गज़ब ढाया हुआ है, और अल्लाह इन पर एंग्री है, गुस्से हैं, इस वजह से ये फल फूल नहीं चलते। और अब इकट्ठे होते हैं और कोई ना कोई, किसी ज़माने में पहले बख्त नसर था, फिर बाद में हिटलर हुआ, अब फिर तैयारी हो रही है कि ये सारे यहूदी दुनिया से इकट्ठे होकर एक जगह पर आ जाएं, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला किसी बादशाह को भेजे जो इनको उठाकर समुंदर में फेंक दें, पूरे का पूरा ये जो इसराइल है तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये कुरान की पेश गई और ऐसे ही होगा, और पूरी हिस्ट्री यही बता रही, क्योंकि ये जो संग दिली, अल्लाह ताला संग दिली को पसंद नहीं करता। जो मुसलमान हो सख्त दिल हो ना, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नहीं होती। हजूर ने फरमाया चेहरे मुस्कराते रखा करो, किसी से मिलो तो मुस्करा के मिलो। फरमाया तबस्सम फी वजह अखी का सदका, अपने भाई को खुले चेहरे के साथ मिलना भी चैरिटी है, नेकी है, सदका। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि ये बशाशत, ये खुशी, ये चेहरे के ऊपर ज़िंदगी के आसार होने चाहिए, हर वक्त तलख चेहरा, सुकड़ा हुआ, जैसे अभी बाप मरा है, इसकी ये कैफियत, ये अल्लाह ताला ने इसे पसंद नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को वही आदमी पसंद है जो नरम दिल हो, जो जिसकी नीयत साफ़ हो, जिसके अंदर खलूस हो, वो सिंसियर हो अल्लाह सुबहानहु व तआला के बारे में, वो ईमान वालों के बारे में। फरमाया अद्दीनुन नसीहा क़ीला लिमन या रसूलल्लाह, हुज़ूर ने फरमाया दीन जो है ये खैरख्वाही है, कहा किस लिए, कहा लिल्लाह अल्लाह के लिए, वले रसूल ही रसूल के लिए, वलिल मोमिनीन और मोमिनों के लिए, वले आम्मतिन नास और सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए नरमी का हुक्म है, सब उसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब आ जाते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ईरान की रूमियों के साथ जंग हुई, अब वो रूमी जो है वो मग़लूब हो गए, ईरानी मुशरक उन पर गालिब आ गए। अब मक्के के अंदर जो कैफियत तारीफ थी वो ये थी कि मुसलमानों को इस बात पर बड़ा रंज हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये रूमी जो है मग़लूब हो गए और ये जो ईरानी हैं ये गालिब आ गए, ये मुशरक जो हैं गालिब आ गए और अल्लाह को मानने वाले वो नीचे चले गए, तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो ये मक्के के अंदर भी सिचुएशन ऐसी थी कि मुशरक जो थे मक्के के वो गालिब थे मुसलमानों पर, और मुसलमान बहुत माइनॉरिटी में थे। अल्लाह ताला ने फिर सूरह अर्रूम
जो 21st पारे में है ना सूरा रूम, वो उस वक्त ज़माने में नाज़िल कर फरमाई, अलिफ लाम मीम ग़लबत रूम फ़ी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिदअ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, कि एक वक्त आएगा और बहुत जल्दी आएगा कि आज जो ग़ालिब हैं मग़लूब होंगे और जो मग़लूब हैं वो ग़ालिब होंगे और अल्लाह का अमर जो है वो अबव होगा इनके ऊपर। ये आयतें उतरी तो अब मैं इसके पस मंज़र को सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि कुदरती बात आज भी पूरी दुनिया के अंदर जब लड़ाई होती है तो मुशरिकीन की हिमायत वही करते हैं जो मुशरिक हैं, मुसलमानों में भी, और मुआहिदीन की हिमायत वो करते हैं जो अहले तौहीद हैं। ये कुदरती बात है। फरमाया क़यामत के दिन ऐसा वक़्त भी आएगा, हिसाब किताब का वो टाइम भी आएगा कि जब लोगों की नियतों पर कि उन्होंने किसकी हिमायत की थी उस ज़माने में लड़ाई हुई, किसकी हिमायत की थी, अब उस पर वो सारे हर स्टेप बाय स्टेप जितने भी हों, वो खा पॉलिटिकल लोग हों या रिलीजियस लोग हों, जो उनसे भी हों, जिनकी भी आप हिमायत करेंगे, क़यामत के दिन उनका वज़न होगा, उस हिमायत का वज़न किया जाएगा। मैं इसकी डिटेल नहीं बताता क्योंकि फिर वो एक बात बड़ी डोमेस्टिक सी हो जाती है, मैं इसे डोमेस्टिक नहीं करना चाहता, कि हर ग्रोह की जब आप हिमायत करते हैं तो क़यामत के दिन उसका वज़न होगा। तो अल्लाह ताला से ये जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि दुआ मांगा करो वाल हकनी बिस सालिहीन ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما। कि ये जो अल्लाह और उसके रसूल को फॉलोअर हैं, इनको इनके मानने वाले हैं, अल्लाह ताला इनका हशर करेगा किसके साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। और देखो कितनी खूबसूरत ये रफाकत है। तो आप अपने आप को, अपना जो ग्रोह है, अपनी जो जमात है, अपनी जो हिमायत है, वो क्लियर करनी चाहिए हर मुसलमान को। मुसलमान मुनाफिक नहीं होता कि उधर भी इधर भी मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला हुवा ला इलाहा इल्ला हुवा, नहीं, हमारा अहले तौहीद के साथ साथ है, हम हर तरह उनका साथ देंगे और उनके तकलीफ़ पर हमें तकलीफ़ होगी, उनका उनकी खुशी हमें खुशी होगी। ये है एक अल मुस्लिमों का जैसा दिन वाहिद, मोमिन जो है एक दूसरे के एक 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 जिस्म की तरह। तो गोया के जब आदमी नियत करता है तो नियत की इतनी वैल्यू है कि जब आदमी घर से चले इस नियत से कि मैंने ये काम करना है, मैंने कुछ इल्म हासिल करना है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हुक्म दे देता है। अगर अल्लाह राज़ी हो, ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनासिर है, अल्लाह ताला उनके लिए हुक्म दे देता है कि तुम मछलियों को हुक्म देता है कि तुम, सिर्फ मछलियों को नहीं बल्कि जो उसकी मखलूक है, इसके अंदर ना बड़ी बड़ी मखलूक रहती है, इंसान जान ही नहीं सकता, जो समंदरों की मखलूक है, बहुत ज़्यादा मखलूक है, तो उस सारी मखलूक जो है वो इनके हक़ में दुआ करती है, इस आदमी के हक़ में दुआ करती है, और जो आसमानों के फरिश्ते हैं वो भी उसके लिए दुआ करते हैं। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल सिस्टम है जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इस्लाम जो है ये तकरीबन 85% जो है इसका ताल्लुक स्पिरिचुअल सिस्टम के साथ है। एक जाहिर है ना कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक, आदमी खुश हुआ, लेकिन हकीकत में इसका एक रूहानी बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है पूरे का पूरा। तो जो आदमी जो काम भी करता है, अल्लाह ताला उसके अंदर उसके दोनों पहलू, एक ज़ाहरी पहलू है, एक बातनी पहलू है। ये जो बातनी पहलू है ये हमें समझ नहीं आती, ये इसका ईमान के साथ ताल्लुक है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब नियत आदमी करे मुखलिस खालिस नियत, तो उस नियत से आदमी को अजर मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने हज करना है तो उस नियत को खालिस कीजिए कि भाई अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, और अगर आपने नियत कर ली तो आप फौरी तौर पर उस जमात उस पार्टी में शामिल हो गए कि जिनके लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जब ये बैतुल्ला बनाया ना तो उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत बड़ी अजीब थी। मैं और आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं
क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग पाकिस्तान से आए और कितनी जुदाइयाँ उन्होंने काटी उस ज़माने में, कितने तकलीफ़ों के साथ यहाँ आकर बेचारे सेट हुए, आगे अपनी औलादों को उन्होंने मकान खरीद के दिए, उनको पढ़ाया लिखाया। अब वो बूढ़े हो गए हैं, कई लोग फौत हो चुके हैं, कई लोग बाकी हैं, वो भी रास्ते भर हैं। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कई अपनी मुद्दत पूरी कर चुके और कई लोग वो इंतज़ार में हैं, पाइप लाइन में है। तो ये इन लोगों ने जुदाइयाँ काटी उस ज़माने में, जवानी का दौर था, इतने बर्फ़ों के अंदर आकर उन्होंने मेहनतें की हैं। अब ये अजर तो अल्लाह ने देना है, औलादों ने नहीं देना, वो उनके नज़दीक तो ये बाबा बस ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने वो जान सकते हैं कि जुदाई कितनी ज़ालिम चीज़ है। ये जो जुदाई होती है, अपने प्यारों से दूर जाना, बहुत बड़ी अज़ियतनाक चीज़ होती है। तो ये जब आदमी नियत कर लेता है ना, तो अल्लाह सुबहान व तआला उसको उस ग्रुप में शामिल कर लेता है कि जिनके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बच्चे के दरमियान बेटा जो थोड़े अरसे के बाद हुआ, उम्र के आखिरी हिस्से में 96 ईयर, वो बाइबल की जो रिवायत है उसमें ये था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र के दिन 96 थी जब उन्होंने बेटे के लिए दुआ की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको पहला बेटा जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम दिया। तो अब इतने अरसे के बाद बेटा मिले तो कितनी खुशी होती है, एक लम्हे के लिए आदमी उसको जुदा। लेकिन नबी सारी ज़िंदगी आजमाइशों में रहे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहाँ से ले चलो। उन्होंने नहीं पूछा कहाँ जाना है, अल्लाह ने फरमाया मैं नेविगेशन लगा दूँगा, बस तुम चलते जाओ, ना पूछा ना अल्लाह ने बताया। और नेविगेशन उन्हें कहाँ ले आया, लकोदक सहरा में ले आया, जहाँ कुछ भी नहीं था, न पानी न सब्ज़ा, कि आँखें ही आदमी की ठंडी हो जाएं, कुछ भी नहीं, पहाड़ी पहाड़ हैं, ये दरमियान में रेत है, कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर लाकर कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे रात गुजरी, हुक्म हुआ कि आप सुबह इनसे रुख्सती ले लो। अल्लाह अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पूछा क्यों, मेरा तो मासूम बच्चा है, मेरी प्यारी बीवी है, मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊँ, नहीं पूछा। अब ये इस इन सारी चीज़ों का लिंक किसके साथ, उस सरजमीन में जाने का आपने इरादा किया जो जहाँ से, जहाँ के एक एक कदम से हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माईल और उनकी बीवी हाजरा सारा या हाजरा उनकी अदाएँ और उनकी वफाएँ वो यादगार महकती है, जगह जगह महकती है वहाँ पर। इसका भी हम इंशाल्लाह तफसील के साथ जिक्र करेंगे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह के वक़्त उठे, अभी बीवी भी सोई हुई है, बच्चा भी सोया हुआ है, अल्लाह ने फरमाया अब रुख्सती ले लो। आहिस्ता से जो सामान था थोड़ा बहुत उठाया और चले। बीवी की आंख खुल गई, कहा इब्राहिम कहाँ, फरमाया वापस जा रहा हूँ। कहने लगे कैसे जा रहे हो, कोई गैरतमंद शौहर तो आबादियों में अपनी बीवी को तनहा नहीं छोड़ता, और तुम इस मासूम बच्चे के साथ मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, किसके सहारे पर। अब इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किल था। तो उन्होंने उंगली का इशारा किया कि अल्लाह के सहारे पर, कि यहाँ पर जो फैसले हैं ना नबियों के, ज़ाती ज़िंदगी के फैसले, ये ज़ाती नहीं होते, ये आफाकी होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं। अब बीवी भी ऐसी, सुभान अल्लाह, इतनी पाक साले औरत, तो जब उनको ये बताया गया कि अल्लाह का फैसला है, तो कह नहीं फिर जाओ, कोई फिक्र नहीं है, फिर कोई फिक्र नहीं है। अब वहाँ से ना थोड़ा सा ये जो सफ़ा मरवा है ना, सफ़ा ये पीछे की तरफ है और मरवा इस तरफ साइड, तो उसकी तरफ वो छोटी पहाड़ी थी उस ज़माने में, तो पहाड़ी के दामन में जाकर, छोटी सी पहाड़ी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ जाकर खड़े हुए, क्योंकि ये वक़्त जो होता है ना, ये वक़्त जुदाई का, इस वक़्त की दुआ भी कबूल होती है। हम तो जुदा होते हैं ना तो रोने लगते हैं या अपने हर बातों में मशगूल होते हैं या के,
लेकिन अगर उस वक्त आदमी दुआ करे ना एयरपोर्ट पर, तो अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करता है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। वो किसी ज़माने में ना वहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी, मस्जिद इब्राहिम उसका नाम ही था। वो अब तो सारी डिमोलिश हो गई, उसमें आ गई है सफ़ा मरवा में, लेकिन वहाँ थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ, अल्लाहु अकबर, जो उस वक़्त की दुआ की कैफियत है, हम ज़रा उस दौर में वापस जाएं, उनकी कुर्बानियां देखें, वो तो फिर आपको पता चले कि क्या क्या चीज़, क्या सरज़मीन है मक्के की, वो सरज़मीन है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن دعائیں दिल से दुआ नहीं कर रही है। रब्बना इन्नक तअलमु मा नुखफी व मा नुअलिन व मा यखफा अलल्लाहि मिन शयइन फिल अर्दि वला फिस समा अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب। ये दुआ, पता नहीं कितनी दुआएं मांगी होंगी, जो मेन थी, जो मेजर दुआएं थी, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र कर दी। या अल्लाह, ये तन्हा है, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, तन्हा है, लेकिन तू इनको तन्हा नहीं छोड़ना, यहां खाने पीने को कुछ भी नहीं है, तो उनको ऐसा रिज़्क देना कि दुनिया में किसी को इतना अच्छा रिज़्क ना मिला हो। फल फ्रूट का रिज़्क देना। और यह तन्हा अकेले हैं, इनको अकेले ना छोड़ना। फ़जअल अफ़िदतम मिनन्नासि तक़वी इलैहिम, लोगों में से कुछ के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दें, इस इलाके की, इस जगह की, यहाँ रहने वालों की मोहब्बत डाल दे। अरबी के अंदर जो मिन का लफ्ज़ होता है ना, फ्राम, इसके लिए एक लफ्ज़ है मिन। इसके दो माने होते हैं, एक तो होता है कि इसका कोई यानी मतलब नहीं है, मिन अन्नास का मतलब वैसे ही लोग, कुछ होता है इसका सम पीपल, थोड़े से लोग, कुछ लोग, यानी मेजोरिटी नहीं बल्कि माइनॉरिटी। मिन का, मिन के अंदर ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ के अंदर ये एक मीनिंग है कि जब वहाँ मिन का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पर बाज़ दफ़ा होता है कि इसका कोई ये फ्राम नहीं होगा ये, बल्कि उसका इट इज़ नॉट पार्ट फ्राम दैट सेंटेंस, बट बल्कि ये क्या है कि फुली जो है उसका एक हिस्सा है। और उसके अंदर जैसे फज तानिबू कौल ज़ूर, फ़ज तानिबू मिनल अवसान व जतानिबू कौल ज़ूर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुतों के, बुतों से बचो। तो अगर यहाँ मिन का माना करें कि मिनल अवसान, तो इसका मतलब ये कि सम कुछ बुतों से बचो और बाकी की इबादत जारी रखो। ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा ना, ज़ाहिर है कि उसका मतलब क्या है, फ़ज तानिबू मिनल अवसान यानी फ़ज तानिबुल अवसान, के बुतों से और उन जहाँ वो बुत बनाए जाते हैं, बुतों का जो थान होता है, उस बुतों के थान से बचो और ऐसी जगह पर मत जाओ, जैसे आजकल ये कब्रें हैं, आस्थाने हैं, मज़ारात बने हुए हैं, यहाँ जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर वो मकसद फोत हो गया, जो कब्रिस्तान की ज़्यारत का था, वो तो कब्रिस्तान की ज़्यारत होती है, कच्चे पक्के कच्ची कब्रें जहाँ होती हैं, वहाँ एक मज़ा कुछ और होता है ज़्यारत करने का। और ये जो बड़े बड़े मज़ार बने होते हैं,
बड़ा मुसलमानों पर बड़ा ये मुश्किल टाइम है इस वक्त भी, बहुत मुश्किल। हमारे लाहौर से आप बाहर निकलें तो एक पहले दाता है, फिर उसके बाद वो एक पीर मक्की है, फिर उसके बाद एक वो एक और खुदा इनका बनाया हुआ है ना, उज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, छतरी बाबा, उसके बाद नूरी बाबा, पता नहीं कितनी सरकारें ही सरकारें हैं, सरकार बाबे बा इतने। और इसी तरह या कोई दमड़ी शरीफ का, कोई खड़ी शरीफ का, कोई बड़ी बैठी शरीफ का, कोई किसी, या आपके इलाके में कितने कितने खुदा बनाए बैठे हुए, ये वाकई खुदा बने हुए हैं और लोगों ने इनको खुदा बनाया हुआ है। इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने पीरों और मुर्शिदों को, अपने आलमों को खुदा बना रखा है। और आजकल तो वो फेसबुक है, यूट्यूब है, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, कि वो तकरीर कर रहा है, कहता है कि खुदा जो है वो एक इंसान की शक्ल में ही होता है, ये मिट्टी के पतले पुतले के अंदर खुदा, और एक आदमी उठता और उसके पाँव में कि तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा खुदा है। ये बिल्कुल बिल्कुल रिसेंटली ये चीज़ें जो हैं लोगों के सामने आ रही। तो ये नहीं है कि वो कुरान करीम ने कोई ऐसी बात कह दी जो है नहीं है, जो वाकई नहीं, हकीकत में ऐसी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़तनी बू मिन अल्लाउसान वज़तनी बू कौल अज़ूर, औसान के या ऐसे जो थान हों, शिरक के थान हों, वहाँ ना जाओ। मैं छोटा सा था तो मेरे वाले साहब, मैं लाहौर में पढ़ता था, ये जिसको दाता दरबार, हमारी तो ज़बान सड़ दी है अल्लाह ताला को सवा किसी को दाता कहते हुए, लेकिन इसके पड़ोस में हम वहाँ वो शीशमा रोड था, वहाँ पर पढ़ते थे। तो मेरे वाले साहब आए तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको दिखाऊं तो सही कि ये, वो कहने लगे नहीं मैंने नहीं जाना, अल्लाह माफ़ कर, वो तो नाम नहीं लेते। मैंने कहा नहीं आपको ज़रा दिखाऊं, तो मैं ले गया उनको, या ऐसे 30-35 साल पुरानी बात है, छोटा सा था मैं उस वक्त, मैं ले गया। तो वहाँ पर एक आदमी को हमने देखा कि वो कब्र की तरफ मुँह करके और खाने काबे की तरफ पीठ करके नमाज़ पढ़ रहा, बिल्कुल इन आँखों के साथ मैंने खुद देखा। तो मेरे अब्बाई ने ये मंज़र देखा तो कहने लगे कि बेटा फौरन यहाँ से बाहर निकलें, अगर अल्लाह का अजाब आया तो हम भी इन मुशरिकों के साथ ही मारे जाएंगे। एक तकवे की बात होती है ना। तो उसके बाद से आज तक मैं नहीं वहाँ गया, हालांकि वहाँ रहते हैं, वहाँ आना जाना भी है बहुत, लेकिन दोबारा जाने की, क्या मौलाना फैज़ुल्लाह साहब ये हमारे सिरात मुस्तकीम वाले, ये गए 3-4 साल पहले पाकिस्तान में, तो मैं इनको लेने गया। तो मैंने कहा आपको अब मैं दाता दरबार दिखाता हूँ, कहने लगे छोड़ें यार। मैंने कहा नहीं आप आए हैं, आप इंडिया के हैं, यहाँ भी देखो। तो इनको मैंने छोड़ दिया, मैंने गाड़ी से उतारे, मैंने कहा यहाँ गाड़ी पार्क करने का मसला है तो आप देख लें जो कुछ देखना है। तो वो 10 मिनट के बाद ही वापस आए, कहने लगा वहाँ तो मंजर इतना शिरक हो रहा है कि वो देखा ही नहीं जा सकता। और ये इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़तनिबू मिनल औसान वज़तनिबू कौल अज़ूर, कि ये जो ऐसे थान हों जो शिरक के, वहाँ भी मत जाओ, बचो इनसे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़अल अफ़इदतम मिनन नास, कि कुछ लोगों के दिलों के अंदर इनकी मोहब्बत पैदा कर दे। जब मैंने बात शुरू की थी ना आज की, तो मैंने कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्थ भी ठीक है, माली तौर पर भी बड़े मुस्तहकम हैं, लेकिन वो उनके जहन में कभी आया नहीं है कि हमने हज करना है। अगर सरकार भेज दे तो फिर ठीक है, अपने खर्चे पर वहाँ टिकट नहीं कटाना। तो ये बदबخت लोग हैं। तो जब इस आदमी ने नियत कर ली, वो उन लोगों में शामिल हो गया कि जो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के अंदर आ गए। तो अल्लाह ने फरमाया फ़ज़तनिबू मिनल औसान, ऐसे ऐसे बचो इनमें से कुछ। तो इस यहाँ कुछ नहीं है बल्कि फुल, कि जितने भी सारे के सारे बुत हैं उन सब से बचो। यहाँ मिन का मिन जो है ये उसके पार्ट के लिए नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है, वो फुल हिस्सा है। तो यहाँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ज़अल अफ़ीदतम मिनन नास, के कुछ लोगों की जो उनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे। तो जब आपने नियत कर ली, नियत की इम्पोर्टेंस बयान कर रहा था ना मैं, कि जब आपने नियत कर ली कि मैंने हज करना है, तो नियत के बाद आप उन लोगों उस ग्रोह के अंदर शामिल हो गए
कि जिनका तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ के अंदर फरमाया था, फ़जाल अफ़इदतम मिनन्नास, कि या अल्लाह कुछ लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे। क्योंकि अगर मिन का माना यहाँ पर हम तबईज़ यानी उसका कुछ हिस्सा सम पीपल ना लें, तो फिर तो सारी दुनिया के दिल के अंदर खाने काबे जाने की हसरत हो जाएगी। तो फिर वहाँ खाना काबा कैसे, वहाँ वो कैसे इन लोगों को, सारी दुनिया को कैसे संभाल सकता है, नहीं संभालेंगे। इसलिए एक ग्रोह अल्लाह ने रखा कि जो नियतन हज करते हैं, और जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी नियत की और गुजारा किया और अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हम हज करेंगे और करना है, पैसा पैसा जोड़ कर हज करने के लिए कोई, तो गोया क़यामत के दिन वो ऐसे दरवाज़े में दाखिल होंगे जो अल्लाह ने हाजियों के लिए ख़ास कर रखा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो साथियों में से होंगे और उस ग्रोह में उनका शुमार होगा। तो आज की जो हमारा जो गुफ्तगू है उसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंस बयान की किसकी, हज की नियत की, कि हज की नियत जितनी खालस हो, जितनी खालस नियत होगी उतना ही ज़्यादा उस पर अजर इंसान को मिलेगा। तो जिस आदमी ने हज करना है उसकी नियत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह तेरे घर की ज़्यारत करना चाहता हूँ और मैं तुझको राज़ी करना चाहता हूँ और वो फजीलत हासिल करना चाहता हूँ जो हज करने वालों के लिए तूने अपने नबी की ज़बान अक़दस से हमको पहुँचाई। वो क्या है कि मन हज्जा फलम यरफ वलम यफसुक वालदत रजा का यौमिन वालदत हो उम्मो, जिसने मबरूर हज किया उसने वो ऐसे गुनाहों से पाक हो गया जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो, न्यू बोर्न बेबी बन गया, जैसे उसके ऊपर कोई सिन कोई गुनाह नहीं होते। इसी तरह इस तरह का हज करने वाला के जो, तो आदमी की नियत क्या होनी चाहिए कि मैंने ऐसा हज करना है। ये हमारा आज का इस टॉपिक पर मैंने, तो अब हज जो है, हज वह चीज़ है कि जिसमें आदमी नियत करता है और फिर जब एहराम बांधता है तो उस वक्त भी तलबिया के लब्बैक हज व उमरा अपनी तरफ से या किसी तरफ से वह नाम लेता है। तो ये जो नियत है इसका ताल्लुक हज के साथ है, और यानी तलफ्फुज के साथ बाई वर्ड आप ज़रूरी है कि आप ज़बान से उसका उसकी नियत करें। ये हमारे तो नमाज में क्या होता है कि भाई ये नमाज फ़र्ज़ है, ज़ोर की है, चार रकात है, पीछे इस इमाम के है, दाएं तरफ मेरे मरूफ जैन है, बाएं तरफ मेरे अब्दुल्ला है, आगे इमाम साहब है जिसका नाम ये है, और पीछे जो है वो फलां आदमी है, पता नहीं वही होगा क्योंकि मेरे बाद वही वज़ू कर रहा था, तो वो चौधरी अशफाक हसैन होगा वहाँ। तो ये कोई नियत है? ये तो एक वैसे मजाक है ना कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ मशरू की है, जो जो एक चीज़ अल्लाह ने बनाई है कि आप इसको करें उसी को करें। हज की नियत ज़रूरी है और बाकी नमाज वगैरह या जो उनकी नियत ज़रूरी नहीं है। तो पहली चीज़ क्या हुई कि नियत, और फिर नियत को जिस तरह के मैंने इसका कंसेप्ट बयान किया उसकी डिटेल बयान की कि वो नियत क्या होती है और उसका क्या फ़ायदे होते हैं, और फिर आदमी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आदमी उस ग्रोह में शामिल हो जाता है जिस ग्रोह में अल्लाह, जिस ग्रोह पर अल्लाह ताला खुश है, सिरातुल्लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों का रास्ता अल्लाह हमें दिखा कि जो क्या है कि जिनके ऊपर तू राज़ी होकर जिस पर इनाम किया, जिनको तूने अपने इनाम से नवाजा उनके अंदर हमें शामिल फरमा, और जो गुमराह हैं जो मुशरक हैं उनके अंदर हमें शामिल ना फरमा। तो गोया नियत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा जो हमारी गुफ्तगू होगी वो ये है कि वो माल, कि जिस माल के लिए, जिस माल के साथ हमने हज करना है उस माल को कैसे, वो माल कैसा होना चाहिए कि, और फिर उसकी क्या ज़रूरत है और उसकी क्या वैल्यू है, इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू इस टॉपिक पर होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी नियतों को खालिस फरमाए, जो नियत भी करें जो काम भी, और नियत के साथ आदमी इतनी भलाई और इतनी खैर हासिल कर सकता है
कि वो बेशक बा दफ़ा ना भी कुछ स्पेंड करे तब भी अल्लाह ताला उसे पहाड़ों जितना सोना अता, पहाड़ों जितने सोने जैसा अजर अता फरमा देता है।